लीजिएगा, यानी कि अपने मनो मस्तिष्क में इसको स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, जेपी सैंडर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो अरुणा आसफ अली ने साथियों, यहाँ पर बात चल रही है साथियों, तो ऐसा है आंदोलन के दौरान इन्होंने, अरुणा आसफ अली ने जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान फहराया था, या स्वराज आंदोलन के दौरान फहराया था, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फहराया था। तो आंसर आपका भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, बताइए। चलिए यहाँ पर साथियों राइट आंसर की बात करेंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 1931 की बात है और चंद्रशेखर आजाद की बात है, ये और भी कई सारे व्यक्ति थे, ये इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है साथियों, ये वहां पर मौजूद थे और एक साथियों एक योजना तैयार कर रहे थे ये कुछ लोग, जिसमें सुभाष चंद्रशेखर आजाद भी थे। तो अचानक से साथियों वहां पर पुलिस आ जाती है, ठीक है, अंग्रेजी पुलिस से वहां पर मुठभेड़ हो जाती है, तो कई सारे लोग जो थे वो, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन खुद साथियों अगर बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की, तो ये अपने आप को गोली मार लेते हैं, ठीक है, तो स्वयं साथियों गोली मार लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मौत को गले लगाया खुद से ही किसने, तो चंद्रशेखर आजाद ने। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस के निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है, बताइए। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। तो अंग्रेजों के द्वारा साथियों अगर बात करें, अंग्रेजों ने भगत सिंह को भी फांसी पर चढ़ाया, राजगुरु को भी चढ़ाया, सुखदेव को भी चढ़ाया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नहीं चढ़ाया। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी, चलिए तो कब साथियों दी गई थी बताने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। तो 1931 में दी गई थी, इनके अलावा साथियों और किसे किसे दी गई थी, इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है, राजगुरु और सुखदेव सिंह को। उसके बाद देखिए कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्य को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो कौन सी साथियों नीति अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए एक बार साथियों क्लास को आप सभी लोग लाइक करके क्लास को शेयर अवश्य कर देंगे। तो बात करें साथियों यहाँ पर राइट आंसर की क्या होगा, तो पहले साथियों क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट क्लास को शेयर करके लाइक कर दीजिए। तो व्यापकत का सिद्धांत आपका आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी जा रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। व्यापकत का सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो डलहौजी से जुड़ा है साथियों। हड़प का सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो डलहौजी से जुड़ा है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव ने साथियों कहां पर एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया, क्या इसका राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश करिए। तो बंगाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, तो भारत के गवर्नर जनरल आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए कौन है, बताइए। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे साथियों स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, बात आपको ध्यान रखना है। अगर भारतीय शब्द प्रश्न में ना लिखा हो, यानी कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम भी आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर बात करें साथियों अगले नंबर के प्रश्न की, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था, तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण साथियों किसने करवाया था, यह आपसे पूछा जा रहा है।
आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताने की कोशिश कीजिए भाई, बताइए। तो अगर आपका आंसर लॉर्ड मेयो है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये। चलिए, तो इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न, यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, वो ये है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड मेयो को ही भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। 1872 में साथियों जनगणना कराई गई थी, वो लॉर्ड मेयो के समय में ही कराई गई थी। उसके बाद देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देशी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, मीशो से शॉपिंग करो और पाओ डिलीवरी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, डाउनलोड नाउ। तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने साथियों, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, लॉर्ड लिटन, आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड लिटन ने 1878 में देशी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, तो अभी आपने देखा भारत के